Hey rise and shine, how are you guys? We are back with part 2nd of constitution, why and how. What we study in part 1st is that ki what is constitution, constitution kya hai? It is a compact document jiske according hamari country govern ki jati hai. Why do we need a constitution? Jiske humne several reasons aapko bataye the. And वट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज मिनिमल कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. सिमिलर टू दैट एक सेकेंड फंक्शन और है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें ये बताता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो ये डिसाइड करता है जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किन के हाथों में होगी. सो हम अब यही फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन. सो द क्वेश्चन इज, जब हमने पार्ट 1st में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बेसिक रूल्स देता है विच इज़ फाइन, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो रूल्स बनाता कौन है. कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स लिखे गए हैं वी अंडरस्टैंड, बट वो रूल्स टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू आर नीड्स बनाता कौन है. सो बच्चों ये जो चीज़ है ये मैटर करती है कंट्री टू कंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कि किस कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे वहाँ का रियल हेड कौन है, वही वहाँ का कानून बनाता है. बेसिकली अगर हम देखें तो मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन में एक मोनार्क डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से लॉज आएंगे, कौन कौन से फंडामेंटल लॉज किसी नेशन में आएंगे. सो मोनार्कल बेसिकली मोनार्क होता कौन है, जहाँ पर सॉवरेन पावर दैट इज़ फुल्ली जो इंडिपेंडेंट पावर होती है वो किंग और क्वीन के हाथों में होती है. दूसरे एग्जाम्पल अगर हम ले सोवियत यूनियन रशिया का, वहाँ पे एक सिंगल पार्टी ही है जो पूरे नेशन के बारे में डिसाइड करती है कि कौन सा लॉ आएगा, कौन सा लॉ नहीं आएगा, क्या क्या पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन आनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसी ऑफ फ्रीडम की आनी चाहिए, वो सब ये एक सिंगल पार्टी डिसाइड करती है. और अगर हम आपके जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपकी टीम के बारे में पढ़ा था उसका एग्जाम्पल लें तो इट मे बी योर टीचर, वो आपकी टीचर हो सकती है, और या फिर मॉनिटर जो आपकी टीचर अपॉइंट करेंगी जो टीचर के बिहाफ पे डिसीजन लेगा वो रूल्स बनाएगा आपकी टीम में. बट बच्चों अगर हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अब वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों के द्वारा बनाया गया अपनी कंट्री के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो उसमें कौन डिसाइड करता है, उसमें डिसाइड करते हैं पीपल, वो पीपल ही सुपर पावर होते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी पॉलिसी के बारे में डिसाइड करते हैं कि वो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए. चलो वी अंडरस्टैंड दिस, बट अगर हम देखें इंडिया में भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और इंडिया एक इतनी वास्ट कंट्री है कि अगर इंडिया के हर एक इंडिविजुअल बंदे की ओपिनियन ली गई एक सिंगल पॉलिसी में तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा, और मे बी वो टाइम टू टाइम लोगों के ओपिनियन भी चेंज करेगा, और वो इस हद तक हो जाएगा कि शायद वो पॉलिसी बने ही ना. ओके तो फिर क्या होगा, और हम देखते हैं अपने आप को, ना इधर हमारे फैमिली मेंबर नोर वी हम लोग किसी डिसीजन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, बट फिर भी लोग कहते हैं कि इंडिया में इट इज़ द पीपल हु डिसाइड कि कौन सा कानून आएगा. तो ये क्या फंडा है, ये फंडा है बच्चों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिसाइड करता है वो है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इंडिया का जो संसद है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है कि कौन से लॉज आएंगे इंडिया में, कौन सी पॉलिसीज आएंगी. चलो ठीक है, और जो ये पार्लियामेंट है ये एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है. एक पर्टिकुलर मैनर में ये हर 5 ईयर बाद ऑर्गेनाइज्ड की जाती है, और जिसके अकॉर्डिंग लोगों को इश्यू नहीं होता कि पार्लियामेंट कानून क्यों बना रहा है. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है इंडियन पार्लियामेंट. सो इन इंडिया वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव हु ऑन आर बिहाफ मेक लॉज एंड पॉलिसी. आप देखना कि इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ पे
जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं और हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं एंड पॉलिसीज बनाते हैं। ओके सो बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन जिसमें हमें ये पता चला कि इंडिया में वो स्पेसिफिक रूल्स बनाता कौन है, वो स्पेसिफिक पावर रूल बनाने की किसके हाथों में है। सो इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट है जो हमारे कानून बनाता है। इंडियन पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आर नेशन जो कानून बनाती है इंडिया के लिए। बट पार्लियामेंट में कौन बनाता है? पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम डायरेक्टली वोट करके भेजते हैं संसद कि अगर कोई कानून आता है बनने के लिए तो आप हमारा ओपिनियन रखोगे, आपको हमने इलेक्ट कर दिया है। ओके सो इट इज़ द पार्लियामेंट हु मेक लॉ, एंड आप देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट है। सो वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट विद दिस पार्ट देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। थैंक यू राइज एंड शाइन, बाय।